हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आप लोग बढ़िया अगर इसी तरह से बढ़िया रहा करो। आज अपने कॉलेज में है ईडीआई का जो रहता है, ईडीआई का प्रोजेक्ट सबमिशन है और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है आज कॉलेज में। आपको दिखाएंगे एक मस्त मस्त प्रोजेक्ट। बच्चों ने लगभग 200 प्रोजेक्ट से इतने बड़े तो नहीं होंगे दिखाने, लेकिन जितना भी हो सकता है पॉसिबल दिखाएंगे आपको। तो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। Make a PCB. It's a printed circuit board. We have made a CNC plotter which will work on all three axes. These two motors are used to operate X and Y axis, and this one's used to operate the Z axis. So basically, how we are printing is we are using a pen which contains nickel ink. It will print on this any card type of board. It includes all the 2D shapes as well as the microcontroller. It's a CNC shield. These are the also, we have used this heat seekers, etc. Yeah, we can make assignment. हमने स्पेशली प्रोजेक्ट बनाया है एक पैकेज डिलीवरी रोबोट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पैकेज डिलीवर करता है। और इसका स्पेशलिटी ये है कि ये रफ टेरेन से भी यूज हो सकता है। और इसमें सिर्फ पैकेज डिलीवरी नहीं, तो हम इसे स्ट्रॉबेरी कटिंग में या मतलब प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा मॉडल है, इसमें हमने आर्डिनो सब कुछ यूज़ किया है, सेमी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी है जिसके आगे एक कैमरा भी लगाया है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। और ये चार सर्वो डीसी मोटर्स हैं और यहाँ सभी रोबोटिक हैंड में। प्राइस कितना हो गया है पूरा? 5-8 हज़ार रुपये का खर्चा है। और कितने लगेंगे और भी इसको डेवलप करने में थोड़ा? और बस इसे ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसका मटेरियल बदलना पड़ेगा, टायर्स में थोड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा है। We have made a smart car parking system. So as we all know, in the urban areas there is a traffic congestion and traffic problem. So we have made a 6-car parking slot system. So as you can see, there is a LCD display for it. So as soon as all the slots are filled, and we have put IR sensors for the detection of the car. So as soon as all the slots are filled, the servo motor won't open it. So time is saved and traffic congestion is also saved. And we have put two pressure plates over here for a systematic car parking system. We normally know the regular drivers will park their cars and take them 2 slots for parking. So by helping, they press those IR sensors, and with the help of it, they know that the car is systematically parked. And as soon as my car is leaves, and it will allow the gate to open. तो ये हमारे ग्रुप का प्रोजेक्ट है और इसका मेन पर्पज़ ऐसा है कि एक आधा अगर व्हीकल इसमें से जाता है, मतलब समझो एक कार इधर से जाएगी, ऐसा कार जाने के बाद इधर इंडिकेट होता है ना बेल, तो इधर इंडिकेट होता है कि कार यहाँ से गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो है ये डीसी मोटर है और डीसी मोटर है ये, और इधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी में स्टोर होगी। और ये यहाँ पर एक सेंसर है, ये सेंसर एक LDR सेंसर है और ये डिटेक्ट करेगा लाइट है कि नहीं। और समझो इसका काम यही है कि मतलब दिन के टाइम में, डे टाइम में ये पूरे जो स्ट्रीट लाइट से ऑफ रहेंगे और जैसे ही रात हो जाएगी तो ये पूरे लाइट्स ग्लो करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इधर लाइट ऑन है, मतलब अभी नाइट है, और जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने के बाद ये पूरा बंद हो जाएगा, मतलब ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये हमारा प्रोजेक्ट है।
प्रोजेक्ट में बेसिकली हम अपने पास एक टॉट ट्रॉली है जिसमें RFID टैग यूज होते हैं। ये टैग में मेरा लिखा है जैकेट का। अभी मुझे इसको स्कैन करने के लिए पहले एक इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस ऊपर का जो RFID टैग रहता है उसको स्कैन करके मुझे RFID स्कैन करना है। लेट मी डेमोंस्ट्रेट। फाइनली अभी हुडी 2000 की मैंने परचेस की है। अभी मुझे दूसरा टैग लूंगा मैं, अभी इसमें मुझे देखते क्या निकलता है। फाइनली आर्डिनो बोर्ड, फिर उसके बाद LCD, ये IR सेंसर है। जब मैं दूसरा ऊपर वाले IR सेंसर पे हाथ रख के ये कार्ड स्कैन करता हूँ तो इंक्रीमेंट होता है, और जब नीचे वाले IR सेंसर पे हाथ रख के स्कैन करता हूँ तो वो डिक्रीमेंट होता है। अच्छा, तो ऐसे वो पूरा बिलिंग सिस्टम वर्क करता है। अच्छा अच्छा, बहुत मस्त आपने बनाया है प्रोजेक्ट। और कितना कॉस्ट आया इसको बनाने में? इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 1800 rupees। 1800? यस। Project name is Smart Integrated Lamp with Voice Assistant. In this lamp we have three colors, red, green and blue, which we have used it. We changed the color red, then green and then blue. To change the color we have used Java language in Android Studios, and we have used Raspberry Pi and Arduino also, and we have used Voice Assistant also. But it is not integrated here, the code is in the laptop. And the use for this is to show like decorative purpose. गौरव भाई क्या बोलते, कैसे रहा आज का दिन? आज का लास्ट दिन एग्जाम नहीं, सेमेस्टर का लास्ट दिन। आज का लास्ट दिन था, प्रोजेक्ट दिखाना था। हाँ, फाड़ के रख दी सेमेस्टर, फाड़ के रख दी एकदम एक्सटर्नल थी। अच्छा, क्या था प्रोजेक्ट तुम्हारा? प्रोजेक्ट हमारा था पोस्चर डिटेक्शन। अगर तुम्हारा पोस्चर इनकरेक्ट है, वैसे तो तुम आंखों से देख के भी बता सकते हो कि तुम्हारा पोस्चर इनकरेक्ट है, और हमको प्रोजेक्ट बनाना था इसलिए हमने उसके लिए कोड बना दिया कि अगर तुम्हारा पोस्चर इनकरेक्ट है तो उससे बता देगा कैमरा से कि तुम्हारा पोस्चर इनकरेक्ट है। और अगले सेमेस्टर के लिए क्या तैयारी करें? अगले सेमेस्टर में हम सोच रहे हैं एनीवे डोर बनाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ तो भी डायमोकॉप्टर वगैरह। हाँ, रिसर्च चल रही है उसके लिए। डोरेमोन के वीडियो एपिसोड देख रहा हूँ मैं काफी। अच्छा, पता चल जाएगा कैसा बनाना है क्या करना है। और अगले सेमेस्टर में एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करेगा भाई? अगले सेमेस्टर में एग्जाम अगर ऑनलाइन हुई तब तो देख लेंगे। हाँ, अगर ऑफलाइन हुई तो एग्जाम अपन को देख लेगी, कुछ ना कुछ तो ही जाएगा। और भाई ये सेमेस्टर कैसा रहा कॉलेज? ये सेमेस्टर तो यार आ गया और चला गया, पता ही नहीं चला कब चालू होगा कब खत्म होगा। अच्छा, आते हो शुरू से आया और खत्म हो गया। कुछ था लास्ट डे ऑफ आवर सेमेस्टर वन, अभी मिलते हैं यार। अभी गाँव जाएंगे मस्त, अपने जलसा करेंगे, फिर 10-12 दिन बाद फिर से कॉलेज जाएंगे, नया सफर शुरू करेंगे। क्या बोलते हो? वापस आएंगे 10-15 दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर चैनल पे छुट्टियाँ 20 दिन की छुट्टियाँ लेंगे अपन, 10 दिन की छुट्टियाँ लेंगे फिर से। वैसे यार प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मॉडल्स वगैरह लाए थे बच्चों ने, लेकिन इतना सब दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जितना भी पॉसिबल हुआ है उतना ट्राई किया है। और फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, मिलती है इसी के साथ और एक मस्त व्लॉग में। चलो बाय बाय।